ना याद आया ओदा सन्माना दे नाल सस्कार करना ना याद आया क्योंकि उते रुझे सीगे जशना दे विच। पर उस तो बाद हफ्ते बाद दस दिन बाद जो उन्हां दा श्रद्धांजलि समागम होया उते भी इन्हां नूं याद नहीं आया। कोई नेहरू नहीं गया, कोई गांधी नहीं गया, कोई पटेल नहीं गया उत्थे। इतिहासक तत्थ है, एक बहुत कौड़ा इतिहासक तत्थ। क्यों नहीं गया? क्योंकि जिहड़ी पहले जिवें बुलारे ने दस्या भी जिहड़ा चाचा अजीत सिंह है फतेह सिंह की पंजवीं पीढ़ी का जुझारू सी भगत सिंह ना चौथी पीढ़ी का तो भगत सिंह पंजवीं पीढ़ी का पंज पीढ़ियों का किसी का आजादी के अंदोलन के जो तो अंग्रेजा ने राज खोया सी पंजाब का उदू बाद पंज पीढ़ियां लगियां होण किसी परिवार दियां ते पर इत्थों दे काले हाकमां नूं याद ना आईयां होण। इहदे पिछे कोई छोटी गल नहीं, वड्डा राज है। क्यों नहीं याद आया? क्योंकि चाचा अजीत सिंह जिथे गोरे अंग्रेजा के लिए बागी सी उत्थे एक काले अंग्रेजा के लिए भी बागी सीगा। इन्हां दी जिहड़ी आजादी नूं वह आजादी नहीं कहिंदा सी, वह कहिंदा सीगा भी तुसीं देशी सरमाएदारा ने ते जिहड़े विदेशी सरमाएदारा ने समझौता किया ये उन्हां दा बखरेवा सी, मतभेद सी। इस करके उन्हूं बनदा सत्कार नहीं दिता गया। यह इतिहासक पक्ष है। दूजा इतिहासक पक्ष जिहड़ा चाचा अजीत सिंह दे नाल जिहड़ा फतेह सिंह राजा रणजीत सिंह दी फौज दे जिहड़े आगू जरनैलों विचों भावें छोटा आगू जरनैल सी वड्डा सीगा नूं छड्ड दिओ आगूआं चों सी मुखियां चों सी ते उधरों जिहड़ा अपना पंजाब दा एक मजीठा परिवार है बिक्रमजीत सिंह मजीठिया परिवार है जिहड़ा उहदा पंजवीं चौथी पीढ़ी वाला दादा सुंदर सिंह मजीठिया ये दोने फतेह सिंह ते सुंदर सिंह मजीठिया समकाली सी। दोने अंग्रेजा दी जदों अंग्रेजा ने कब्जा किया उस समय दे सीगे। फर्क की सीगा? अंग्रेजा ने उदू बाद जिहड़े जरनैल सीगे अपने रणजीत सिंह दी फौज दे उन्हां नूं जगीरां दे के उन्हां दा जिहड़ा गुस्सा है उन्हां नूं दूर करन दी कोशिश कीती पर इस परिवार ने जगीरां नहीं लगियां, गुस्सा रखिया भी ठीक है तुसीं सानूं गुलाम कर लिया पर सानूं तुहाडी गुलामी प्रवान नहीं, असीं लड़ांगे इस गुलामी के खिलाफ। तो फतेह सिंह तो बाद भगत सिंह तकर पंज पीढ़ियां लड़ियां ते दूजे पासों मजीठे अर्गियां दे जिहड़ा मजीठा परिवार सी उन्होंने जगीरां लगियां ते अंग्रेजां दे उहो समझ लो भी खैर खुआ बने। ये दूजा पक्ष है। सो मैं अगली गल जिहड़ी करना चाहुंना उन्होंने जिहड़ा अंग्रेजा ने पहला दस्या भी जिहड़ा काले कानूनां दे खिलाफ अंदोलन लड़िया 1907 दे विच पगड़ी सवाल जट्ट अंदोलन मौके वो एवें नहीं पोले पैरी नहीं वापस हो गया जां कल्ला भुख हड़तालां नाल नहीं वापस हो गया। वो तगड़ी लड़ाई लड़ी है, सरकार नूं कड़िक्की च फसाया अंग्रेज सरकार नूं, फिर जाके वह काले कानून वापस लैण लई तैयार हुई है, पोले पैरी नहीं हो गई। सो सानू अज दे दिन तो प्रेरणा यही लैनी बनती है भी जे होने वाले मोदी हुकूमत तो काले कानून वापस कराने हैं उहदे लई भी सानू करड़ा संघर्ष तिखा संघर्ष इन्हां नूं बिपता खड़ी करन वाला इन्हां नूं कड़िक्की च फराउण फसाउण वाला संघर्ष शुरू करना पैणा। यही प्रेरणा चाचा अजीत सिंह दे अंदोलन की पगड़ी संभाल जट्टा अंदोलन की। 26 जनवरी वाले दिन साडा जिहड़े साडे किसान दिल्ली वाले किसान मोर्चे के शहीदों चों सरमौर शहीद आ शहीद नवरीत सिंह पुलिस की गोली लगन नाल जिहड़ा शहीद होया, मैं जो वो बारे जानकारी मिली दूजे तीजे दिन बाद भी जेडे ट्रैक्टर वो चला रहा सी उनू पहला नहीं चला रहा सी, पहला कोई होर नौजवान चला रहा सी, वो नौजवान ने वो ट्रैक्टर छड़ता किसे लोट भी छड़ता, पुलिस दे डर करके छड़ता जां किसे होर कमजोरी करके छड़ता, तां फिर नवरीत ने वो ट्रैक्टर फड़िया ये सोच के भी जे ट्रैक्टर असीं इत्थे छड के मुड़ जांदे आ अपनी केस तो डरते पुलिस की कुट तो डरते तो सानू मेड़ा होगा भी ट्रैक्टर लै गए सीगे आप बचे ट्रैक्टर पुलिस नूं फड़ाता।
उन्हें ट्रैक्टर फड़िया, उदू बाद गोली लगी, फिर ट्रैक्टर कंट्रोल तो बाहर होया, पलटिया, फिर उसकी मौत हुई। ये हुण दियां जिहड़ियां रिपोर्टां हैगियां ने सारियां चों साफ हो गई गल, जिहड़ी उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जां उदू बाद फोरेंसिक माहरां की रिपोर्ट है, उहदे विच इह गल्लां सारियां साफ हो गईआं वी पहलां उहदे सिर च गोली लगी है, सिर चों उहदे मिज निकली आ, उदू बाद ट्रैक्टर पलटिया। सो मैं जदों उहदी इस कुरबानी बारे जां इस जुझारू जज्बे बारे, वीरसी जज्बे बारे सोचिया वी यार ये इन्ना जज्बा किसी च एक दिन नहीं आ सकता, लाजमी इहदा कोई इतिहास होगा इस बच्चे का, इस नौजवान का, यह लाजमी इतिहास के विचों उहनूं कोई प्रेरणा मिली होगी। तो जदों उहदा इतिहास फरोलिया जां उहदे जिहड़े दादा हरदीप सिंह डिबडवा उन्होंने इत्थे आके अपना गाजीपुर वाली स्टेज तो आके बोलिया तो गल पुष्टि हो गई भी उहदे ते भी नवरीत ते भी पंज पीढ़ियां का अपने खानदान दियां पंज पीढ़ियां का असर सी, पंज पीढ़ियां की पान चढ़ी हुई सी। तो उहदे पंजवीं पीढ़ी वाला जिहड़ा दादा सी उह कौन सी? उह उही महान शहीद सी गुरद्वारा सुधार लहर वेले का, जदों अंग्रेजां दे पिट्ठू महंतां तों गुरद्वारिआं नूं आजाद करवाउण दी खातर गुरद्वारा सुधार अंदोलन चलिया, तो ननकाणा साहब के साके दे विच जंड नाल पुट्ठा लमका के अग नाल साड़ के शहीद किया सी लक्ष्मण सिंह धारोवाली। लक्ष्मण सिंह धारोवाली शहीद नवरीत का पंजवीं पीढ़ी वाला दादा सी। सो जदों भी असीं वेखदे हां भी जिहड़ा इह वीरसी जज्बा, लड़ाकू जज्बा, जुझारू जज्बा राते रात नहीं आ जांदा, दहाके लग जांदियां, कई कई पुस्तां लग जांदियां ने, फिर जाके इह पैदा हुंदा। सो भरावो मैं जिहड़ा अगला पॉइंट है जिहदे ते मैं गल करना चाहुंदा उह हैगा साडा जिहड़ा सरकार नाल मत्था लग्गिया, इन्हां ने साडा शिकंजा कसणा शुरू करता, साडे ते प्रैशर वधाउणा शुरू करता ता कि यह अपना जिहड़ा स्टैंड है छड के सरकार दीआं शर्तां ते समझौता करके वापस मुड़ जाण। उन्होंने कल्ले नोट्स ही नहीं कढ़े, आ कल जिहड़ा नोट्स लाए आ टिकरी वाले बार्डर ते नवें नोट्स लाए आ, पहलां नहीं लगे सी, जिहदे विच कहा गया भी तुहाडा इह जिहड़ा मजमा, तुहाडे आ जिहड़ा पंजाब बार्डरां ते तुहाडे धरने है, इन्हां नूं मजमा कहा। मजमा का पता अर्थ की हुंदा? मजमे का जिहड़ा आह मदारी करता हुंदा बंदर नूं लेके, वह मजमा हुंदा। साडे कठ नूं अंदोलनकारी कठ नूं सिरा जिहड़ा देश दे सारे किसानां दे देश दुनिया दे किसानां दा इह इकट्ठ है, उहनूं मजमे दा नां दित्ता इत्थों दी हुकूमत ने, इत्थों दी पुलिस ने, ते नाल ही इह कहा वी इह मजमा छेती चक लो तुसीं, तुहाडा मजमा गैर कानूनी है, जे तुसी मजमा ना चक्या फिर तुहानू चकाया जाऊगा, धमकी है ये। सो इस करके भरावो कोई मंगिया हक नहीं दिंदा, इहदा जवाब देना पऊगा जिहड़े ने मजमा कहा भी नहीं मजमा नहीं होर चीज़ है, ये तुहानू मजबूर करूगा सारा कुछ मनण लई। जां इत्थे जिहदे ट्रालियां आईआं ने परसों 150 दे लगभग इस अपने कुंडली बार्डर ते ट्राली आई है, उन्हां ट्रालियां नूं भी पुलिस ने रोकण दा जतन किया भी इह इस कुंडली वाले धरने च सिंघू वाले धरने च ना पहुँच सकण। ते जदों उन्होंने किसानां ने कहा भी असीं जां इत्थे मरांगे, साडियां लत्तां तोड़ दिओ, मार के परां कर दिओ, ते नहीं असीं जावांगे, फिर जाके पुलिस वाले पासे होए आ उह किसान ट्रालियां इस धरने दे विच आ गईआं ने। सो इह जिहड़े संकेत है दसदे आ भरावो भई लड़ाई अपनी पोली पतली नहीं, पोले पैरों नाल नहीं जित्ती जानी। एक इत्थे होर भी प्रचार आउंदा भी इह जिहड़े बीजेपी आ, इह आरएसएस है, इन्हां दे बड़े खतरनाक मनसूबे है, गुजे मनसूबे है, इह बंब ब्लास्ट भी कर दिंदे आ, इह अंदर जाके दंगा फसाद भी करा दिंदे है। ठीक है, करा दिंदे होणगे, पर असीं जे इन्हां दीआं इस साजिशां तों डर के असी चुप करांगे, असी सहमांगे, फिर भरावो साडी कमजोरी दा दुश्मन नूं पता लगूगा भी इह बीजेपी दे गुंडिआं तों जां आरएसएस दे जिहड़े गुजे गुंडे है
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵਧੂਗਾ, ਘਟੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਮਰਵਾਏ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਤੰਬੂਆਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਲਲਕਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਭੜਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਗਏ, ਹੋਰ ਗਾਹਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੇ, ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਉਂਗਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੁੱਦ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਚੋਂ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਐ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ KMP ਘੇਰਾਂਗੇ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ BJP ਦਾ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਝਾ ਹੈਗਾ ਬਦਮਾਸ਼, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ KMP 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਦਾ ਕੱਢ ਲੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੋਰਚਾ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਗਈ ਮੌਸਮ ਦੀ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਂਝੀ ਸਾਥੀ ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਮ ਦਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੜਵਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਵਾ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ।